आपके कुछ ही दूर एक घटना हुई, संदेश खाली हुई ना। एक व्यक्ति बांग्लादेश से आया, यहां आया, पहले नागरिक बना, फिर यहां बिजनेस करने लग गया और इतना पावरफुल हो गया कि वो तो कुछ भी करने लग गया और इतना पावरफुल हो गया कि उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती। एफआईआर कराने के लिए धरना प्रदर्शन होता है। पुलिस का काम एफआईआर करना है, धरना प्रदर्शन के बाद एफआईआर करना है, अपराधी को गिरफ्तार करना। किया क्यों नहीं? क्योंकि भारत में जो पुलिस व्यवस्था है ये स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों के अधीन है और कानून 1861 वाला चल रहा है। 1861 वाले अंग्रेजों के एक्ट के कारण पुलिस जो पहले अंग्रेजों के इशारे पे नाचती थी, अब वो सत्ता के इशारे पे नाचती है। इसलिए पूरे देश में पुलिस का बिहेवियर एक समान नहीं है। यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है। यूपी में भी 2017 के पहले जो पुलिस आतंकवादियों का मुकदमा लेती थी, आजकल आतंकवादियों का घर गिरा देती। क्यों? क्योंकि हमने आज तक वन नेशन वन पुलिस कोड नहीं बनाया, हमने 1861 का अंग्रेजों का कानून नहीं बदला। तो नतीजा वही है, पुलिस में आपको केरल की पुलिस अलग बिहेवियर करेगी, बंगाल की पुलिस अलग बिहेवियर करेगी, यूपी की पुलिस अलग बिहेवियर करेगी। जबकि जो पुलिस को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला किस लिए मिल रहा है? अपराध को रोकने के लिए। लेकिन हर जगह एक जैसा नहीं काम कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि बंगाल की पुलिस की जो वेतन भत्ता आ रहा है केवल बंगाल के लोग दे रहे हैं, नहीं, बंगाल के पुलिस की सैलरी भी पूरे भारत के लोग देते हैं। क्यों? क्योंकि जीएसटी तो सब लोग दे रहे हैं, हिस्सा सबका बराबर बढ़ता है। यानी हरियाणा के लोग जो जीएसटी दे रहे हैं उसका कुछ भाग बंगाल पहुंच रहा है, इनकम टैक्स जो वहां दे रहे हैं उसका हिस्सा भी इधर पहुंच रहा है और जब यहां पहुंच रहा है लेकिन यहां की पुलिस कार्रवाई नहीं करती। भारत में कानून का राज है और कानून घटिया है, यही समस्याओं का मूल कारण है। अगर हम भारत को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें भारत के नियम कानूनों को भारतीय संस्कार के अनुसार, भारतीय विचार के अनुसार बदलना पड़ेगा। भारत इंडिपेंडेंट तो हुआ लेकिन भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ लेकिन स्वतंत्र नहीं हुआ। स्वतंत्र अपना तंत्र अभी तक नहीं आया। भारत में गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी के निशान चल रहे हैं, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था चल रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो भारत इंडिपेंडेंट तो है लेकिन भारत स्वतंत्र अपना तंत्र हम विकसित नहीं कर पाए। भारत इंडिपेंडेंट तो है लेकिन भारत सोवरिन नहीं है। सोवरिन का मतलब संप्रभु, संप्रभु का मतलब सब कुछ हमारा होना चाहिए। कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक घटना देखी होगी, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, रामदेव बाबा का और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। कुछ लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि रामदेव जी ने कुछ गलत किया इसलिए सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। यह 1954 का कानून है। यह कानून यह कहता है कि अंधापन, बहरापन, गूंगापन, हकलाना, तुतलाना, कैंसर, मोटापा, डायबिटीज, मिर्गी, बुखार, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, हिस्टीरिया, पागलपन, कोढ़, मोटापा, लकवा, नपुंसकता, बाजपन, टीबी, ट्यूमर जैसी बीमारियों के लिए आप प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। ध्यान से समझिए, कानून बनाया नेहरू जी ने 1954 में। बनाया कैसे? क्यों? उस समय के जो लॉबिस्ट थे उनके दबाव में। क्यों बनाया यह कानून? क्योंकि जिन बीमारियों का मैंने नाम लिया है इनका परमानेंट क्योर चरक जी ने तो बताया है, सुश्रुत जी ने तो बताया है, आचार्य माधवकर ने बताया, आचार्य भाव प्रकाश ने बताया, वाग्भट जी ने बताया है, पतंजलि ने बताया। लेकिन मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का परमानेंट इलाज एलोपैथ में नहीं था उस समय। तो उस समय की कंपनियों ने बोला, एक काम करो, कानून बना दो
और इन बीमारियों का प्रचार करने को अपराध बना दो। तो 1954 में कानून बन गया। 1954 का कानून कहता है कि इन बीमारियों का प्रचार करेंगे नहीं। रामदेव जी प्रचार कर रहे हैं क्योंकि वो परमानेंट इलाज कर रहे हैं, वो मोटापा भी घटा रहे हैं, डायबिटीज भी ठीक कर रहे हैं। ऐसी बीमारियां जिनमें इस पे लिखा हुआ आप एडवर्टीजमेंट नहीं दे पाएंगे वो कर रहे हैं। तो सवाल ये गड़बड़ कौन, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया रामदेव जी को फटकार लगा के? नहीं, क्योंकि कानून में तो लिखा हुआ है इन 54 बीमारियों का प्रचार करोगे नहीं। क्या रामदेव जी ने गलत किया अपना प्रचार करके? नहीं, क्योंकि रामदेव जी के पास एविडेंस है, 1 करोड़ लोगों को ठीक कर चुके हैं। जो ठीक हो चुके वो बता रहे हैं, जी मेरा घुटना ठीक हुआ, मेरा ये ठीक हुआ, मेरा ये ठीक हुआ। तीसरी पार्टी कौन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, क्या उसने गलत किया? उसने भी नहीं गलत किया, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है 54 बीमारियों का अगर आप प्रचार करोगे तो आपके खिलाफ शिकायत होनी चाहिए। तो आप अगर टेक्निकली देखें, न इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गलत है, न रामदेव गलत है, न सुप्रीम कोर्ट गलत है। गलत कौन है? गलत कौन है? ये कानून। लेकिन लोग कंफ्यूज है, कुछ लोग लगता सुप्रीम कोर्ट गलत, कुछ लोग लगता आईएमए गलत, कुछ लोग लगता रामदेव जी गलत। इसलिए मैं कहता हूं जिन बीमारियों का इलाज हमारे यहां है कम से कम उनका प्रचार प्रसार करने की छूट तो मिलनी चाहिए ना भैया, मिलनी चाहिए कि नहीं? हां, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसलिए गलत है कि रामदेव जी इन बीमारियों का इलाज करने की बात करते हैं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, लेकिन पंजाब में इन्हीं बीमारियों का इलाज करने का वादा करके धर्मांतरण कराया जा रहा है। आप वीडियो देख लीजिए, आपको यूपी बिहार बंगाल पंजाब झारखंड में हर जगह जो धर्मांतरण हो रहा है, कोई कह रहा है कैंसर ठीक कर दूंगा कन्वर्ट हो जाओ कैंसर ठीक हो जाए, कोई कह रहा है कन्वर्ट हो जाओ बचपन ठीक हो जाएगा, कोई कह रहा कन्वर्ट हो जाओ नपुंसकता ठीक हो जाएगी, कोई कह रहा कन्वर्ट हो जाओ ये भी ठीक होगा वो भी ठीक होगा वो भी ठीक होगा। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वास्तव में अगर इस कानून को इंप्लीमेंट कराना चाह रहा था तो जो मिशनरियां कन्वर्ट करा रही हैं झूठे वादे करके उनके खिलाफ भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को जाना चाहिए, लेकिन वो केवल गया बाबा रामदेव के खिलाफ, उसने इतनी गलती किया। कायदे से अगर उसको वास्तव में इस कानून को इंप्लीमेंट कराना था सबके खिलाफ जाना चाहिए था, लेकिन सबके खिलाफ नहीं गया। आपके कुछ ही दूर एक घटना हुई, संदेश खाली हुई ना, एक व्यक्ति बांग्लादेश से आया, यहां आया, पहले नागरिक बना, फिर यहां बिजनेस करने लग गया और इतना पावरफुल हो गया कि वो तो कुछ भी करने लग गया और इतना पावरफुल हो गया कि उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती। एफआईआर कराने के लिए धरना प्रदर्शन होता है, पुलिस का काम एफआईआर करना है, धरना प्रदर्शन के बाद एफआईआर करना है, अपराधी को गिरफ्तार करना। किया क्यों नहीं? क्योंकि भारत में जो पुलिस व्यवस्था है